पांच ऐसे हेयर स्टाइल जो लड़कियों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। लड़कों पे हेयर सबसे अट्रैक्टिव फीचर होते हैं लड़कों के लिए, एब्स से भी ज़्यादा हेयर इंपॉर्टेंट होते हैं। और ऐसे के लिए मैंने बहुत सारे हेयर स्टाइलिंग पे वीडियो बनाए हैं, हेयर स्टाइल्स पे वीडियो बनाता रहता हूँ। लेकिन मुझे थोड़े दिन पहले एक बंदे ने रिक्वेस्ट किया कि लड़कियों को कौन से हेयर स्टाइल पसंद होते हैं उस पर वीडियो बनाया जाए, और मैंने सोचा यार ये सही में थोड़ा सा यूनिक है जो मैं वीडियोस बनाता हूँ उनसे, तो चलिए इस पर वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए, इस पूरी एक सीरीज़ बनानी चाहिए। तो ये है पांच ऐसे हेयर स्टाइल्स जो लड़कियों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, स्टार्टिंग में नंबर 5, सबसे नंबर 1 वाला सबसे लास्ट में आएगा, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और इसमें से कौन सा हेयर स्टाइल रॉक करने वाले हो कमेंट सेक्शन में बताना। तो नंबर 5 पे है लॉन्ग फ्लोइंग हेयर स्टाइल। यार एक ऐसा हेयर स्टाइल है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है ज़्यादातर नेटफ्लिक्स की वजह से, नेटफ्लिक्स शोज़ की वजह से, और लड़कियों के हेयर स्टाइल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अगर आप ऐसा हेयर स्टाइल रख सकते हैं, थोड़े आपके वेवी बाल हैं, थोड़ा आप नेचुरल फ्लो कर सकते हैं, थोड़ा से लंबे कर सकते हैं, बहुत बढ़िया ऑप्शन होने वाला है। आप ये हेयर स्टाइल ज़रूर रख सकते हैं, लड़कियों को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और 4th पे आता है द क्लासिक स्लिक बैक, एक ऐसा हेयर स्टाइल जो हमेशा से लड़कियों की पसंदीदा हेयर स्टाइल्स में से रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बिजनेस वाइब भी देता है और वो बिजनेस वाइब के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा बैड वाइब भी देता है। तो ये एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है अगर आप लड़कियों को इंप्रेस करना चाहते हो, तो स्लिक बैक हेयर स्टाइल बहुत अच्छा ऑप्शन है मेरे हिसाब से। आप स्लिक बैक हेयर स्टाइल जरूर रख सकते हैं। 3rd नंबर पे एक ऐसा हेयर स्टाइल है जो अगेन बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, खासकर नेटफ्लिक्स शोज़ की वजह से, नेटफ्लिक्स सीरीज़ की वजह से, और टिकटॉक और रील्स की वजह से, इन सब की वजह से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया है पिछले कुछ टाइम के अंदर। लड़कियों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, लड़कियाँ बहुत ज़्यादा क्रश करती हैं ऐसे बंदों पर। तो फिर अगर आप रखना चाहते हो हेयर स्टाइल, आप ज़रूर रख सकते हो। ये है द मैसी कर्ली लुक। ना ये हेयर स्टाइल के अंदर भी वो फ्लो है, वो मैसीनेस है, साथ में कर्ली हैं थोड़े बाल, और इसके साथ एक वो रगेड फील है, एक रग्ड फील आती है जो बहुत ज़्यादा पसंद आती है लड़कियों को। इसलिए आप ऐसे हेयर स्टाइल भी ज़रूर रख सकते हैं, लड़कियों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। ना आप जो भी हेयर स्टाइल लें उसको फेस शेप के अकॉर्डिंग लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए अगर आप एक अच्छा फेस शेप के अकॉर्डिंग आप हेयर स्टाइल चूज़ करना चाहते हैं, तो इस पर मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आई बटन के अंदर मिल जाएगा आपको लिंक, उसको जाके ज़रूर देख लेना। अब आते हुए नंबर 2 पे, तो नंबर 2 पे आते हैं ओवरऑल मैसी हेयर स्टाइल्स। मैसी हेयर स्टाइल्स लड़कियों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, क्योंकि मेनली वो बहुत ज़्यादा रगेड लुक देते हैं, एकदम रफ़ लुक देते हैं, जो लड़कियों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है हेयर को लेकर, खासकर ऐसा नोटिस किया गया है। तो फिर आप एक मैसी हेयर स्टाइल ज़रूर रख सकते हैं, बेस्ट ऑप्शन के अंदर रहेगा एक मैसी क्विफ आप रख सकते हैं, या फिर एक मैसी कॉम्ब ओवर रख सकते हैं। दोनों ही ऑप्शंस बहुत ज़्यादा बढ़िया, मैंने आगे इन पे काफ़ी ज़्यादा जो आपको बताया हुआ है कि ये हेयर स्टाइल्स रखो, और ये बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं लड़कियों को, काफ़ी ज़्यादा आप अच्छे भी लगने वाले हो, आपके फेस को काफ़ी ज़्यादा एनहेंस भी करेंगे हेयर स्टाइल अगर आप इनको अच्छे से रॉक कर पाते हो। तो ये भी ज़रूर 2 हेयर स्टाइल्स है जिनकी तरफ आप देख सकते हो। ये था नंबर 2। अब नंबर 1 और सबसे बढ़िया हेयर स्टाइल जो लड़कियों को पसंद आने वाला है उसकी बात कर लें, पर उससे पहले यार हेयर स्मूद होंगे तो ही तो अच्छा लगेगा ना हेयर स्टाइल, इसलिए आई बटन के अंदर हेयर स्मूदिंग पे जो वीडियो बनाया वो आप देख लो, उसमें मैंने 4 मास्क बताए हैं जो बहुत मदद करेंगे। अब वापस आते हो हमारे नंबर 1 पे। नंबर 1 पे है द मॉडर्न पोमपाडोर। मॉडर्न पोमपाडोर एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है क्लासिक हेयर स्टाइल और मॉडर्न हेयर स्टाइल्स का, और बहुत ज़्यादा स्लीक भी लगता है, और वो हल्की सी जो है बैड बॉय लुक भी दे जाता है, इसीलिए ये हेयर स्टाइल लड़कियों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। इसके अंदर थोड़ी सी बिजनेस वाइब भी है, आप ये हेयर स्टाइल ज़रूर रख सकते हैं, आपके फेस को काफ़ी ज़्यादा एनहेंस करेगा अगर ये आपके फेस शेप के साथ जाता है तो। ना ये बहुत ज़्यादा आप ऐसा मत कर देना कि एकदम आपके बाल प्लास्टिक जैसे लगे, आपको थोड़ी सी उसके अंदर मैसीनेस रखनी है, थोड़ा सा रफनेस रखनी है, तो आप ज़्यादा बेटर लगोगे, ज़्यादा अच्छे लगोगे, और लड़कियों को भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगोगे। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप यही चाहते हो तो बहुत सही बात है, आप ऐसे और भी हमारे वीडियोस देखें, चैनल को कर दे सब्सक्राइब, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। और यार वीडियो को एंड तक अगर आपने देखा, मतलब आपको वीडियो अच्छा लगा है ना, तो लाइक करो ना यार, करते क्यों नहीं। और ये जो स्क्रीन पे वीडियोस आ रहे हैं इनको ज़रूर देख लेना, आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। खैर यही था आज के वीडियो के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।